हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए YouTube के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि स्पाइस मनी APS जो है और पेनियर के बाइक के बारे में। मतलब दोस्तों ये दोनों कंपनियों के APS कमीशन लिस्ट लेके आ गया हूं, जहां पे दोस्तों अगर इनका ID लेकर अगर चलाते हैं तो हो सकता है आपको कमीशन में कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका जो ID आप लेते हैं तो दोनों का दोनों ID आप लोगों को मतलब यहाँ पे बिलीव करके मतलब यहाँ पे जो भरोसा करके ले सकते हैं। इसमें कोई भी कहीं से भी आप लोगों को लोचा या कहीं पे भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों स्पाइस मनी और पेनियर बाइक जो कि पुरानी कंपनियाँ हैं जहाँ पे APS के मामले में अच्छा खासा काम कर रही है, ठीक है। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था यस बैंक के ऊपर और फिनो बैंक के ऊपर, उसका अगर देखेंगे कमीशन लिस्ट अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइस मनी APS के बारे में और पे नियर बाई APS के बारे में। अब दोनों कंपनियाँ दोस्तों सेम टू सेम काम कर रही है, लेकिन दोस्तों कमीशन में कहीं ना कहीं आप लोग को अंतर देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये सोचेंगे कि हम ID किसका लें, पे नियर बाई का लें या हम स्पाइस मनी का लें। लेकिन दोस्तों मैं कहीं ना कहीं आपको रिकमेंड ये भी करूँगा कि आप स्पाइस मनी से जुड़कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को डिसीजन लेना है, ठीक है। मेरे कहने से कोई भी कंपनियाँ ज्वाइन न कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे जो मैं कंपनी से जुड़ा हूँ वो मैं स्पाइस मनी से ही जुड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं स्पाइस मनी से जुड़ा हूँ तो आपको भी बोलूँगा कि नहीं स्पाइस मनी से आप ले लीजिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों दोनों कंपनियाँ अपने आप में एक बेहतर साबित करते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस कमीशन लिस्ट में आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा वो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट मनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। अभी तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाके फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल होते हैं तो नीचे दिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि APS कमीशन लिस्ट 2023, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल जा रहा होगा APS कमीशन लिस्ट 2023। अब 2023 अब बीतने वाला है, 2024 में भी यही रेट होने वाला है, मतलब जो कि मैं कमीशन जो लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। अब देख सकते हैं दोस्तों कि APS जो कि स्पाइस मनी APS और पे नियर बाई APS के बारे में हम बात कर रहे हैं। APS दोस्तों होता क्या था, जो कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, जहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड से आप लोगों का पैसा निकाल सकते हो। वैसे दोस्तों आधार इनेबल सिस्टम क्या होता है, जैसे कि मैं बात करें तो APS मतलब होता क्या है। APS दोस्तों यही होता है कि आप क्या करते हैं कि किसी भी ग्राहक का आप आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं और निकाल के उसे दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को कैसे इसमें काम करना है, इसका कमीशन आप लोगों को जानना जरूरी है, तभी आप लोगों को काम करने में अच्छा रहेगा, नहीं तो दोस्तों आपको कोई भी काम करने के लिए अच्छा या बढ़िया नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पेनियर बाई और स्पाइस मनी के कमीशन लिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप लोग स्पाइस मनी में 100 रुपया से लेकर 199 रुपया तक आप आधार कार्ड से पैसा को निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि आप आधार कार्ड से 100 रुपया से लेकर 99 रुपये तक 199 रुपये तक निकालते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 0 बटा 1 मिलेगा, मतलब यहाँ पर नील मिलेगा, आप लोग को कोई भी कमीशन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 100 रुपया से लेकर अगर 500 रुपया निकालते हैं, ठीक है। दोनों कंपनियाँ ध्यान दीजिएगा, 499 यहाँ पे 199, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 25 पैसे आप लोग को पे नियर बाई यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को 25 पैसे यहाँ पे दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 500 रुपये तक ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं 199 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नील है, इसलिए 200 रुपये तक यहाँ पे नील है। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं अगर 200 से लेकर 499 रुपये तक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 499, यहाँ पे भी 499, लेकिन एक कंपनी स्पाइस मनी आप लोग को 50 पैसे का कमीशन दे रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों वहीं पे आप लोगों को पेनियर के बारे की बात करूँ, 500 से भी है, 500 यहाँ पे भी है, 500 यहाँ पे भी है, लेकिन ये 25 पैसे का, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पाइस मनी आगे है, ठीक है, पेनियर बाई से। अब बात करेंगे दूसरे नंबर पर 500 रुपये से लेकर 999 रुपये तक, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 500 रुपये से लेकर 999 रुपये तक अगर ट्रांजेक्शन करते हैं किसी भी ग्राहक का आधार कार्ड इनेबल, जो कि आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग को 1 रुपये का आपको कमीशन मिलता है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करते हैं पेनियर बाइक का, अगर 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब 999 रुपये तक, तो आप लोगों को मात्र 80 पैसे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं स्पाइस मनी आगे है, मतलब यहाँ पर स्पाइस मनी का जो कंपनी का APS है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा खासा कमीशन देखने को यहाँ तक मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं 1000 रुपये से लेकर 1499 रुपये का ट्रांजेक्शन आप लोग करते हैं तब जाके आप लोगों को कितने का पेमेंट मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 1000 रुपये से लेकर 1499 रुपये का ट्रांजेक्शन आप लोग करते हैं तब जाके आपको स्पाइस मनी 2 रुपये का जो कि कमीशन देता है, अगर 1499 रुपये करते हैं।
साथ ही साथ हम बात करेंगे 1000 से लेकर 1499 रुपये अगर इसमें करते हैं पेन ईयर बाई में, तो कहीं ना कहीं आप लोग को 2 रुपया 10 पैसे का जो कि कमीशन मिलता है। 2 रुपया 10 पैसे का कमीशन दोस्तों, यहाँ पे 10 पैसे आप लोग को ज़्यादा मिला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तीसरा नंबर पे पेन ईयर आगे हो चुका है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप लोग स्पाइस मनी में 1500 से लेकर 2000 रुपये तक ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि 1999 रुपये दिया है, तो कहीं ना कहीं स्पाइस मनी में आप लोग को 3 रुपये का कमीशन मिलता है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं, अगर इसमें पेन ईयर बाई में अगर 1500 से लेकर 1999 रुपये तक करते हैं, तो इसमें भी आप लोग को 3 रुपये का जो कि कमीशन मिलता है। तो दोनों कंपनियाँ यहाँ पे सेम हो गई है। अब यहाँ पे बात करेंगे 2000 से लेकर 2499 रुपया, कौन सा कंपनी? स्पाइस मनी, यहाँ पे दे रही है 4 रुपया। ठीक है, स्पाइस मनी में दोस्तों अगर 2000 से लेकर 2499 रुपये तक ट्रांजेक्शन करते हैं या उनसे लेते हैं, आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं, तो आपको 4 रुपया कंपनी से मिलता है स्पाइस मनी से। अब यहीं पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं आधार, जो कि पेन ईयर बाई की अगर बात करें तो पेन ईयर भी बाई दोस्तों यहाँ पे 2499 रुपया, यहाँ पे 2000 से लेकर 2500 रुपया यहाँ पे भी ट्रांसफर करेंगे या आधार से निकालेंगे, तो आप लोग को यहाँ पे 5 रुपया तक मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे 1 रुपया ज़्यादा आप लोग को ये कंपनी दे रही है, जो कि 2000 से लेकर 2500 निकालते हैं दोनों में, तो इसमें 4 रुपया और इसमें 5 रुपया। वीडियो को पूरा बनिएगा, पूरी लिस्ट बताऊँगा। अगर दोस्तों स्पाइस मनी में 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये मतलब 2999 रुपये तक ट्रांसफ़र करते हैं, तब जाके यहाँ पे आप लोगों को 5 रुपये का कमीशन मिलता है। अगर वहीं पे दोस्तों इस कंपनी पेन ईयर बाई की बात करें, तो दोस्तों इसमें भी 5 आप लोगों को जो कि 2000 से 3000 रुपये तक निकालते हैं, तो इसमें भी दोस्तों आपको 5.75 मतलब 5.75 रुपये का आपका कमीशन यहाँ पे बन जाएगा। मतलब यहाँ पे इस कंपनी द्वारा 75 पैसा यहाँ पे ज़्यादा दे रही है, यहाँ पे 10 पैसे ज़्यादा दे रही है, तो कहीं ना कहीं पेन ईयर भी भाई कंपनी अच्छा ही है, लेकिन शुरू में कमती दे रही है, लेकिन यहाँ पे आके कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है। बने रहेगा वीडियो पे। हम बात करेंगे स्पाइस मनी में अगर 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं या आधार से निकालते हैं पैसा, तब जाके आप लोग को 7 रुपये तक कमीशन मिलता है। ठीक है, कितना? 7 रुपये तक कमीशन मिलेगा, जो कि 3000 से लेकर 3500 निकालेंगे तो। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 3000 से लेकर 5000 रुपये तक अगर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा 5000 रुपये की बात करूँगा, यहाँ पे 3000 है और यहाँ पे 5000 रुपये है, तब जाके इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे 8 रुपये तक कमीशन आप लोग को दे रही है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अगर यहाँ पे 3500 रुपये से लेकर मतलब 7999 रुपये लगभग 8000 रुपये तक निकालते हैं स्पाइस मनी से, तो आपको 7 रुपये तक कमीशन यहाँ पे भी मिल रहा है, जो कि यहाँ पे भी बात करें पेन ईयर बाई की, तो 5000 से लेकर 7999 रुपये निकालते हैं, यहाँ पे 7 रुपये तक कमीशन दे रही है। मतलब यहाँ पे 3500 रुपया और यहाँ पे 5000 रुपया और दोनों लास्ट वाला सेम, तो 7 रुपया यहाँ पे मिला है, 7 रुपया यहाँ पे मिला है, लेकिन दोस्तों स्पाइस मनी फिर भी यहाँ से बेटर है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगर इसमें अगर 8000 रुपया से लेके 8000 रुपया के ऊपर की अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि 8000 रुपया 8000 से लेकर 10000 रुपया ट्रांजेक्शन करते हैं, तब जाके कंपनी आपको 8 रुपये तक कमीशन स्पाइस मनी दे रही है। वहीं पर दोस्तों पेन ईयर बाई की हम बात करें तो यहाँ पे 8000 से लेकर 10000 रुपये तक करते हैं ट्रांजेक्शन, तो आपको 9 रुपया कमीशन देखने को मिल जा रही है। अब दोस्तों आप लोग के मन में सवाल ये हो रहा होगा कि हम किस कंपनी का जो कि आईडी ले, तो दोस्तों दोनों कंपनियां बेहतर है अपने आप में, दोनों का कंपटीशन सेम है, कहीं ना कहीं ऊपर में पेन ईयर बाई कुछ थोड़ा कमती आप लोग कमीशन दिया है, लेकिन यहाँ पे स्पाइस मनी कहीं ना कहीं ऊपर में आप लोग को ज़्यादा दे रही है, नीचे में देखो थोड़ा यहाँ पे कम देखने को मिल जा रही है, लेकिन यहाँ पे भी 75 से लेकर 10 पैसा तक अधिक मिल जा रहा है। मतलब कुल मिला जुला के दोनों कंपनियाँ बेटर है। कंपेरिजन करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं कि आपके द्वारा और मेरे द्वारा जितने भी यहाँ पे कमीशन लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, दोनों का कहीं ना कहीं सेम है, तो दोनों कंपनियों को जुड़कर आप काम कर सकते हैं। और कमेंट में बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि यूट्यूब के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।